दोस्तों, सनी देओल ने अपनी समकालीन सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किया है सिवाय अनीता राज के। अनीता राज से सनी को इतनी नफरत थी कि उनका चेहरा तो क्या, उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। हालांकि सनी को अनीता राज के साथ काम करने के कई बड़े ऑफर भी मिले, लेकिन सनी देओल ने टस से मस नहीं किया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या थी। 90 के दशक में धर्मेंद्र और अनीता राज बॉक्स ऑफिस पर हिट पेयर माने जाते थे और इस जोड़ी ने लगभग कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है और उनमें से ज्यादातर फिल्में सफल ही रही। साल 1983 में बनी फिल्म नौकर बीबिका की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अनीता राज के रोमांस की कहानी शुरू हो गई और इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई कि ये एक दूसरे से छिप छिप कर भी मिलने लगे और इस बात से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोहराम मच गया। जैसे ही ये खबर सनी के कानों तक पहुंची तो वो बुरी तरह से बिखर गए और उन्होंने अपने पापा धर्मेंद्र को तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उन्होंने अनीता राज का फोन लगाया और उन्हें अपने बाप से दूर रहने की चेतावनी दे डाली। और अनीता राज को इस मामले की गंभीरता का एहसास तब हुआ जब धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल अनीता राज को समझाने के लिए उनके घर पहुंच गए और उन्होंने अनीता के पिता जगदीश राज को मामला संभालने को कह दिया। और इस घटना के बाद अनीता राज ने धर्मेंद्र के परम मित्र अर्जुन हिंगोरानी से शादी कर एक बड़ा धमाका और कर दिया। हिंगोरानी धर्मेंद्र के बचपन के मित्र थे। ये शादी कैसे हुई, ये एक सबसे बड़ा रहस्य बन गया क्योंकि हिंगोरानी धर्मेंद्र और अनीता राज के संबंधों से बखूबी वाकिफ थे। तो दोस्तों, आप सभी अनीता राज और धर्मेंद्र के इस रोमांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड की चटपटी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।